उत्तराखंड के ऋषिकेश में कुछ ऐसा हुआ जो पिछले 100 सालों में नहीं हुआ। गंगा के बीचों बीच लगी महादेव की मूर्ति पानी के सैलाब में बह गई। डियर सुरेश, आप घर पर हैं, लेकिन आपको उत्तराखंड आपदा के बारे में पता होगा, इसलिए आपको 15 दिनों के लिए राहत अभियान में सहयोग देने के लिए उत्तराखंड भेजा जा रहा है। कृपया वहां सोमवार 27 अप्रैल 2015 तक पहुंचने के जरूरी इंतजाम करें। आपको दीक्षा वर्मा को रिपोर्ट करना होगा, जो उत्तराखंड आपदा में राहत अभियान की टीम लीडर है। कृपया निकलने से पहले ओरिएंटेशन सत्र में भाग लें, और यदि आप शहर में नहीं हैं तो स्काइप कर लें। कृपया सुनिश्चित कीजिए कि आप अपने साथ गर्म कपड़े, स्वेटर्स, जैकेट्स, शॉल, मोजे, कैप वगैरह ले जा रहे हैं, क्योंकि वहां बहुत ठंड है। आप अपना सेफ्टी किट भी लें और अपना रेड फॉर्म सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फोकल व्यक्ति के पास जमा करा दें। जाने से पहले कृपया ब्रीफिंग के लिए अपने टीम लीडर और आपदा प्रबंधन यूनिट के हेड से संपर्क करें। हेलो सुरेश, तुमसे मिलकर खुशी हुई। तुम्हारा उत्तराखंड आपदा रिस्पांस फील्ड ऑपरेशंस टीम में स्वागत है। धन्यवाद, मैं हमारी पूरी प्रक्रिया को दोहराना चाहता हूँ। मैं तुम्हें राहत वितरण प्रक्रिया के बारे में समझाऊंगी। किसी भी आपदा में प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए स्टाफ को नियुक्त किया जाता है। तुम इस टीम का हिस्सा हो। प्रक्रिया को समझाने से पहले तुम्हें ये समझना होगा कि जब बड़ी संख्या में जिले और गांव प्रभावित होते हैं और राहत पहुंचाने के लिए संस्था के पास सीमित संसाधन होते हैं, प्रभावित गांव और लोगों के चयन संबंधित निर्णय कुछ बिंदुओं पर निर्भर करते हैं। कुछ बिंदु नीचे दर्शाए गए हैं। त्रासदी या आपदा का प्रभाव, प्रभावित समुदाय की जूझने की क्षमता, सरकार और दूसरे संस्थानों की प्रतिक्रिया, संस्था की मौजूदगी। सेकेंडरी डाटा के आधार पर अधिक प्रभावित जिले और गांव में असेसमेंट किया जाता है। सेकेंडरी डेटा विश्लेषण अधिक प्रभावित क्षेत्रों और अति संवेदनशील टोलों की पहचान और सूची बनाना। तीव्र जरूरत आकलन। प्रारंभिक राहत वितरण जैसे पानी, तैयार भोजन, बिस्किट के साथ साथ तीव्र जरूरत आकलन किया जाता है। भौगोलिक क्षेत्र का चयन, जिलों, गांवों, प्रखंडों और वार्डों का चयन, घरेलू या व्यक्तिगत चयन। आपदा में लोगों की संवेदनशीलता उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनैतिक वातावरण पर निर्भर करता है। ऐतिहासिक तौर पर पहले से चली आ रही छुआछूत और भेदभाव की प्रथाएं और प्रदूषण और स्वच्छता के विचार से हाशिए पर रह रही निम्न जातियों जैसे दलितों और आदिवासी समुदायों, औरतों, लड़कियों और बच्चों, विशेष रूप से गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं की कठिनाइयां आपदा के दौरान और बढ़ जाती हैं। केयर तीव्र क्षति और जरूरी आकलन के लिए बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों का चयन करता है, क्योंकि केयर को अपने पूर्व ज्ञान और अनुभव से ये पता है कि कुछ समूहों के पास जूझने की क्षमता दूसरे समूहों के मुकाबले कम होती है। तीव्र जरूरत आकलन के दौरान यदि किसी गांव या समुदाय में तुरंत जरूरत है तो उस स्थिति में केयर जल और बिस्किट आदि की सप्लाई करता है। उसके बाद जरूरत के आधार पर कुछ वस्तुओं को मानक राहत सामग्री में शामिल किया जाता है। राहत केवल आकलन के पश्चात और स्थानीय भागीदारों एवं सरकार के साथ घनिष्ठ समन्वय पर वस्तुओं के प्राप्त हो जाने के बाद बेस स्टेशन पर होती है। तीव्र आकलन में विभिन्न क्षेत्रों के आकलन शामिल हैं, जैसे भोजन, सफाई, स्वास्थ्य, आश्रय, प्रभावित समुदायों की तत्काल जरूरत की सुरक्षा को समझना। ऐसे लोगों या घरों की पहचान कैसे करें जिन्हें राहत की जरूरत है? इनके पहचान करने में निम्न मानदंडों का प्रयोग किया जाता है। अत्यधिक गरीब यानी वो परिवार जो सब कुछ खो चुके हैं, जैसे घर नष्ट हो गया हो, मवेशी मर गए हों, जमीन बर्बाद हो गई हो, आय का कोई अन्य स्रोत ना हो और सभी संपत्ति नष्ट हो गई हो, वो परिवार जिनकी मुखिया महिलाएं हों, अक्षम व्यक्ति, बुजुर्ग, बीमार और दूसरे कमजोर और अत्यधिक पिछड़े समूह,
केयर के प्रोजेक्ट में लाभार्थी, ऐसे लोग जिन्हें किसी भी स्रोत से कोई राहत न मिली हो, ऐसे परिवार जिनमें छोटे बच्चे अधिक हैं या बच्चे ही मुखिया हैं, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के परिवार। आकलन के आधार पर राहत, सामान, सामान की संख्या वितरण संबंधित निर्णय लिया जाता है। अब हम एक साथ मिलकर चर्चा करेंगे और वितरण योजना पर सहमति बनाएंगे। अब हम वितरण पर आते हैं। इलाके का चुनाव अहम है। पहले ही इलाके का दौरा करना, वो भी बिना किसी सामान के, लाभार्थी की सूची, वितरण किए जाने वाले सामान और उसकी संख्या की पुष्टि और अधिकारियों से वितरण और लाभार्थी के बारे में चर्चा, लाभार्थी चयन, वितरण प्रक्रिया, वितरण सूचियों में सुधार, प्रति व्यक्ति या परिवार को मिलने वाली राहत सामग्री के प्रकार और संख्या। हम संवाद में की गई गलती या मानवीय भूल में सुधार कैसे कर सकते हैं? केयर, गोडाउन या वेंडर के स्थान से राहत सामग्री को भेजने से पहले प्रोक्यूरमेंट और लॉजिस्टिक्स देखती है कि चालान में सभी जरूरी सूचनाएं मौजूद हैं या नहीं। वितरण स्थल पर पहुंचने के बाद लॉजिस्टिक्स फोकल कार्यकर्ता चेक करता है कि प्रत्येक ट्रक में लोड सामग्री चालान में दी गई सामग्री से मिलती है या नहीं। राहत टीम द्वारा कम, अधिक या क्षतिग्रस्त सामग्री की पहचान की जाती है और ट्रक चालक की उपस्थिति में उसे नोट कराया जाता है। इस चालान पर कम सामग्री के बारे में लिखा जाता है और मुख्यालय को सूचित किया जाता है। हम लाभार्थियों की पुष्टि कैसे करते हैं? लाभार्थियों के चुनाव का मापदंड स्थानीय स्वयंसेवकों और भागीदारों की मदद से तय व उनसे साझा किया जाता है। क्या कोई दूसरी चेकिंग प्रक्रिया भी है? एक बार लाभार्थी सूची केयर स्वयंसेवकों द्वारा समुदाय की सलाह से बन जाती है तो एक अव्यवस्थित जांच प्रक्रिया होनी चाहिए कि क्या सही लाभार्थी का चयन हुआ है। इसे केयर स्टाफ द्वारा किया जाता है। ठीक है। जब एक बार चुनाव हो जाने की पुष्टि हो जाती है तो पुष्टि प्रक्रिया के बाद सभी लाभार्थियों को टोकन दिए जाते हैं जो अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में प्रिंट होता है। टोकन पर वही नंबर होने चाहिए जो लाभार्थियों की सूची में दिए गए हैं। वस्तुओं की सूची मात्रा के साथ टोकन में सम्मिलित होती है। राहत किट प्राप्त करने पर किसी भी शिकायत या प्रतिक्रिया के लिए संपर्क संख्या भी दी जाती है। ये वस्तुओं की गुणवत्ता, मात्रा या किसी राहत टीम सदस्य द्वारा सही व्यवहार न किए जाने पर उपयोग की जा सकती है। लेकिन अगर वितरण असंगठित हो तो उसकी वजह से गड़बड़ी हो सकती है, तो लाभार्थियों को वितरण के समय के बारे में कैसे पता चलेगा? वितरण से पहले सभी समुदायों को समय, स्थान और राहत सामग्री के बारे में सूचित कर दिया जाता है। वितरण का बंदोबस्त अच्छी तरह होना चाहिए ताकि लंबी लाइनें या भीड़ ना हो। अगर एक से अधिक समुदायों को वितरण स्थल पर राहत वितरण किया जाता है तो प्रत्येक समुदायों को पहले से ही समय सुनिश्चित किया जाता है और ये भी कि कौन से समुदाय को पहले और किसे बाद में इत्यादि टोकन नंबर के आधार पर। ये योजना समुदाय के नेताओं एवं स्वयं सेवकों के साथ की जानी चाहिए। दूसरे लाभार्थियों को हिस्सा लेने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है? कुशल वितरण केवल तभी संभव होगा जब लाभार्थियों के खुद की भागीदारी और सहयोग होगा। नेता और कमेटियां भी इसमें शामिल हैं। वो कार्यकर्ता, वितरक, वेयरहाउस वॉचमैन और सुरक्षा गार्ड भी उपलब्ध करवा सकते हैं। उनकी सेवाएं आमतौर पर स्वैच्छिक और बिना पैसे के होनी चाहिए क्योंकि ये एक सहयोग कार्यक्रम के लिए सामुदायिक सहयोग होता है। क्या ऐसे लोग भी हैं जिनकी नियुक्ति लाभार्थियों की ओर से नहीं होनी चाहिए? आम नियम के अनुसार स्टोर कीपर और वितरण केंद्र प्रबंधकों को लाभार्थियों की ओर से तैनात नहीं किया जाता है। क्या आप वितरण केंद्र का रफ डायग्राम बना देंगी? क्या आप आने जाने के रास्ते की व्याख्या कर सकती हैं? वितरण क्षेत्र में केवल एक प्रवेश और एक निकास द्वार होना चाहिए। शिकायत कक्ष वितरण केंद्र से दूर होना चाहिए। सामग्री मिलने का स्थान अलग होना चाहिए।
प्रवेश और निकास द्वार पर लाभार्थी सूची पर लाभार्थियों के हस्ताक्षर या अंगूठा लगना चाहिए। सामग्रियां प्राप्ति के बाद वो सिर्फ आगे ही बढ़ सकते हैं, पीछे नहीं जा सकते। सुरक्षा के बारे में बताइए। सुरक्षा बिंदुओं पर चर्चा हो चुकी है। एक बार सही तरह सेटअप हो जाए स्वयंसेवक, सामुदायिक नेता वगैरह की उपस्थिति में, अगर सुरक्षा कर्मी की जरूरत है तो उन्हें संभावित समस्याओं के बारे में बता दिया जाता है। उनकी भूमिका और जिम्मेदारियां स्पष्ट हैं। वितरण के समय सभी लाभार्थी प्रतीक्षालय में पहले एक पंक्ति में खड़े होते हैं। वितरण क्षेत्र को दो लोगों के द्वारा संरक्षित किया जाता है। जब लाभार्थियों का टोकन नंबर पुकारा जाता है, लाभार्थी अंदर आते हैं और वेरिफिकेशन डेस्क पर जाते हैं। एक बार जब उनके टोकन की पुष्टि और पंचिंग हो जाएगी तो लाभार्थी हस्ताक्षर करते हैं, सूची पर अंगूठा चिन्ह लगता है और सप्लाई सेक्शन पर जाते हैं। सप्लाई सेक्शन पर टोकन फाड़ा जाएगा, जिसका एक हिस्सा संगठन के पास रखा जाएगा और लाभार्थी वाला हिस्सा उन्हें वापस दे दिया जाएगा। लाभार्थी अपना सामान लेकर निकास द्वार से बाहर चला जाएगा। मुझे वितरण के बारे में कुछ और बताइए, कुछ अहम बातें। कुछ अहम बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। वितरण केंद्र पर इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। प्रदान की गई सहयोग की प्रकृति, वजन, मात्रा, अभियान का योजनाबद्ध समय अंतराल, घंटे या दिन, लाभार्थियों की कुल संख्या, लाभार्थियों का स्थान, वितरण केंद्र से दूरी, मौसम की स्थिति और साल का महीना, लॉजिस्टिक से यातायात, वेयरहाउसिंग, केंद्र तक पहुंच, इलाका और सड़क के हालात, लाभार्थियों और राहत टीमों के लिए सुरक्षा, लाभार्थियों के लिए सुविधा, खास तौर पर महिलाओं और बच्चियों, जिस घर का मुखिया बच्चा हो, बुजुर्ग, दिव्यांग व्यक्ति जिन्हें वितरण केंद्र तक पहुंचने में कठिनाई हो सकती है, स्तनपान कराने वाली माताएं, कुछ विशेष परिस्थितियों में लाभार्थियों के घर पर राहत पहुंचाने का प्रावधान कराना चाहिए, साधन जिनका प्रयोग लाभार्थी वितरण केंद्र तक पहुंचने के लिए करेंगे, लाभार्थियों के वितरण केंद्र तक पहुंचने में लगने वाला समय। ठीक है, और कोई बात जिसे नोट करना है? वितरण क्षेत्र के बाहर सामग्री की सूची साफ तौर पर लगी होनी चाहिए। लाभार्थी के चुनाव का मापदंड भी लिखा होना चाहिए। प्रतीक्षा गृह के आसपास एक डेस्क पर किट प्रदर्शित की जानी चाहिए और वितरण क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले लाभार्थियों को उसके बारे में समझाना चाहिए। लेकिन शिकायत पर क्या होगा? वितरण क्षेत्र के बाहर प्रतिक्रिया या शिकायत टेबल होता है, जहां पूछताछ और प्रतिक्रिया दर्ज कराई जा सकती है और उनका हल भी निकाला जा सकता है। लाभार्थी टोकन के पीछे लिखी संख्या पर संपर्क करके अपनी प्रतिक्रिया केयर स्टाफ के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। यह सब बताने के लिए शुक्रिया। आपका स्वागत है। अगर तुम्हें कुछ और जानना हो या कोई संदेह हो तो प्लीज झिझकना मत, ठीक है? Thank you.